रास्ता पर पूरा बम्बू सूट है। ये रहा गाइस, वाओ वाओ, इतना ज्यादा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट गाइस, पूरा बम्बू सूट ही बम्बू सूट। प्रकट ये, हाँ मम्मी आइए, ये रहा, इतना ज्यादा है ना गाइस, उधर से इधर आया है, फिर से और एक है ना, वो रहा अंदर पर लंबा करके, और वहां पर एक है। ये रहा और है ना, देख रहा हूँ, बहुत दिक्कत है, ये रहा दो ठू। मम्मी आइए ले जाइए, बम्बू का अंदर घुस के निकालना पड़ता है गाइस, हाँ ये रहा, ये देखिए गाइस, लोकल ऑर्गेनिक अपना से निकला, हाँ बम्बू सूट वहाँ पर डाल दे, हाँ यहाँ पर है, रख दे, हाँ एक कट्टा कर रहे, और आगे जाने से हो जाएगा, हाँ ओ जाना पड़ेगा अभी के लिए इतने गाइस। सो गाइस गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे। ओके गाइस, तो गाइस सुबह सुबह डायरेक्ट मैं उठ के ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कल इधर उधर भाग दौड़ करते करते थोड़ा थकान हो चुका था, और ये घर पर भी लगा था, और देखे ना सूर्यदेव, आज तो इतना कड़क धड़क धूप है भाई साहब, क्या बताऊँ, कम से कम आज तो होगा 50 डिग्री ऐसा, 30-35 ऐसा होगा, नहीं देखना पड़ेगा बाद में। तो अभी उठ चुका हूँ, डायरेक्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मुझे जाना है जो राइस मिल धान पहुँच के आया था, तो वहाँ पर जाके वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा, तब तक के लिए बने रहेगा, इसे देखते हैं और क्या क्या काम होगा। रोहित कैसा, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुबह को, तो अभी गाइस अभी मेरे राइस मिल पर जाना है, और यहाँ पर वो जो कोल फ्लावर की बनाना निकला है, हाँ ओ भाई साहब बनाना फ्लावर दो, कॉल कोल का ना, अभी मैं कोल फ्लावर बनाना फ्लावर उनको बुलाए गाइस, ये एकदम अनुभव भाई, हाँ और चींटियां बहुत है, और रहा गाइस वहां पर है, वहां पर है, और इधर पापा प्रकाट रहे, हिल रहे, हिल रहे, हटो दे रोहित, हटो हटो, गिर रहे गिर रहे, गिर गया, वाह गाइस इसका यहाँ पर बनाना फ्लावर पूरा, मतलब कि ये खाने का लायक है, देखिए गाइस इसका सब्जी बनाओ, हाँ वो मोरंगे दे, हाथी मोरंगे लागे, वाह अच्छा है ना, नहीं ठीक है क्या, छोटा अभी भी निकला है ना, दो तीन दिन ज्यादा कर दीजिए, नहीं नहीं ठीक है, पूरा खाने का लायक, देखिए गाइस इतना बढ़िया है, इसका चोप लगेगा ना पूरा कपड़ा पर लग जाएगा, फिर देखिए और है इधर पर, तो ये अभी निकला नहीं है, इसका आज मैं सब्जी बनाऊंगी गाइस, मम्मी बनाएगा, मुझे नहीं आता बनाने इसका, तो इसको अभी रखना पड़ेगा गाइस, बढ़िया से बनाओ ना, हाँ ज्यादा काट दिया तुम्हारे, नहीं 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 इसका ये पत्ता लोग तो छीलना पड़ेगा ना, तो अभी गाइस जाना है दूध लेके, दूध भी देना है और वीडियो भी अपलोड करना है, उसका बाद में राइस मिल जाना है, तो यहाँ पर दूध लगा दिया गाइस सुबह सुबह, ये देखिए रोज रोज तो अंजू लेके जाता था, लेकिन मैं आज लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पर गाय को धुला दिया दूध को, तो जाना पड़ेगा मुझे, तो जल्दी आके फिर घर पर लाना पड़ेगा गाइस, तो जाते हैं, लेकिन धूप भी इतना कड़क धड़क है भाई साहब, क्या बताऊँ, तो अभी गाइस जाना है दूध लेके, दूध भी देना है और वीडियो भी अपलोड करना है, उसका बाद में राइस मिल जाना है,
तो यहाँ पर दूध लगा दिया गाइस सुबह सुबह। ये देखिए रोज रोज तो अंजू लेके जाता था लेकिन मैं आज लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर गाय को धुला दिया दूध को, तो जाना पड़ेगा मुझे, तो जल्दी आके फिर घर पर लाखना पड़ेगा गाइस। तो जाते लेकिन धूप भी इतना कड़क धड़क है भाई साहब क्या बताऊँ। तो गाइस दूध भी दे दिया और यहाँ से लेना पड़ेगा खिली चीज़, इतना मोटा मोटा गाइस देखे नहीं, इतना बड़ा बड़ा। ये देखिए एक किलो तो इतना में उठ गया, देखिए कितना ठू होगा, 20-30 ठू होगा ना क्या, लेकिन दो ठू मारना पड़ेगा इसमें। और एक किलो 5 इंच वाला ले जाना है पतला वाला, तो ये एक किलो और ये एक किलो, दो किलो ले लिया गाइस। तो घर का भी और भी चाहिए और अभी तो 2 किलो लेके जाऊँगा मैं, क्योंकि नीचे का चांग खा लिया। तो मेल में पहुँच ही गया था लेकिन यहाँ पर पूरा फीता टूटा है, टूट पड़ा है फीता। ये देखिए अभी ज्वाइन किया ना, ये देखिए गाइस पूरा टूट पड़ा है, ये देखिए अभी ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पर मेरा धान है क्योंकि उस दिन से लेके रखा था ना, अभी तो आज तो जैसे जैसे चावल बना के ले जाना है रायपुर से, तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था भाई लोग का, लेकिन फीता टूट गया बलाई। तो कोई बात नहीं, अभी मेरा ये ख़त्म होने के बाद मेरा लगा के चावल बना के ले जाना है घर, और लेट हो जाएगा नहीं तो ना। अभी राइस मिल आके चावल भी हो चुका मेरा, जो धान का चावल बना लिया यहाँ पर। तो अभी मुझे जाना है घर, तो डायरेक्ट घर जाते हैं। तो राइस मिल से यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ पर बैठ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साइकिल रख दिया और यहाँ पर नेटवर्क मिलता है, तो वीडियो को अपलोड होने के बाद में घर जाना पड़ेगा मुझे। ओ भाई साहब ये बर्फी पर बहुत छाँव है रे भाई, ठंडा ठंडा है ना। तो राइस मिल से तो आ चुका हूँ मैं, जो चावल बना के धान को, तो नेटवर्क अभी सुबह से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, अभी तक नहीं हुआ गाइस। और यहाँ पर है रोज़ रोज़ यहीं पर आके मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और आगे में भी नहीं मिला है, तो इसी कारण से बहुत अभी जोरों तोरों से भूख भी लग रहा है और यहाँ पर चावल है और फिर रोकना पड़ेगा। तो देखते हैं वीडियो जल्दी अपलोड होने से जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली अभी घर पहुँच चुका हूँ, पूरा जोरों तोरों से भूख लगा है और सुबह से गया है, तो बस सुबह से मैंने वीडियो छोड़ दिया था कितना 8:30 बजे ऐसे करीब, तो अभी तक 2-3 बजने वाला हो गया, अभी तक अपलोड नहीं हो रहा है, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अभी देखते हैं आप लोग का प्यार डू ऐसे बना रखे, तो सोलार और ये लेना पड़ेगा, रूपम भाई बोला जैसा क्या बोलता है वो, हाँ ना क्या बोलता है वो, हाँ नहीं ओ गाइस मैंने भूल ही गया, वाईफाई लेना पड़ेगा, 200 वाट का सोलर खरीद करना पड़ेगा, तो वाईफाई लेना पड़ेगा तब तो आसान होगा मुझे, नहीं तो बहुत दिनों से ऐसे हो रहा है मेरा, बहुत दिनों से मैंने स्टार्टिंग से और ब्लॉग बनाते हुए समय पर। और 5G तो 5G है, सिम भी 5G बनाया और मोबाइल भी 5G है, कुछ होने वाला ही नहीं है। और अभी ये चावल कब से राइस मिल से निकला है मैं, और ये है चावल नया धान का, हम लोग का जो गुजरों लोग पुरखा से हम लोग मानी ली हुआ रीति रिवाज तो मनाना पड़ता है, और हम लोग ना ऐसे खाने नहीं सकते चावल गाइस, और भूख से कैसे कैसे हो रहा है मुझे, बोलने भी मन नहीं कर रहा है ऐसा, हमने पूरे जोरों तोरों से बोला, और इसी कारण से इसको ना हम लोग जो लोकन वाइन बनाना पड़ेगा, जाड़ बना पड़ता है गाइस, अन फूल पितराला चढ़ाना पड़ता जो अपना, तो आगे से मानी लिए रीति रिवाज तो मनाना पड़ेगा ना, अपना देव को लिए चढ़ाना पड़ेगा इस, तो इसमें चढ़ाते समय में बहुत खुश चाहिए, तो अब इसको नमा लेते, हाँ नमा लो, पूरा पसीना पसीना हो चुका है, रोहित पकड़ो है, रुको रुको लो रोहित की मेरा मेन, साइकिल गिर जाएगा, भीतर ले जाइए, ये रहा गाइस पूरा अंदर ले जाइए, ये रहा गाइस पापा ले जा रहा, ये रहा ले जा रहा है, और अभी अभी पूरा पापा ने फूट के लाया है, अभी पूरा सीधा घर का अंदर, ये हाँ ऐसा ही रख दीजिए, पूरा पापा खिली लाया है, ये रहा हाँ ये खिली और ये दो साइज का है,
ये तो बम्बई खिली बोलता है 120 रुपए खिली किलो, इतना मोटा मोटा गाइस। और ये देखिए इतना पतला, ये देखिए। तो 2 किलो लिया 220, एक ठू वाला लिया 100 करके, एक ठू लिया 120 बम्बई वाला। और डोट हुई है डिम्बर और चा पतला, और ये चावल है तो लास्ट में निकले चावल है। हाँ मशीन चल रहा है, खिली साइड में रख रख दीजिए मम्मी, पूरा दोरो दोरो से भूख लग रहा है, खाना खाना पड़ेगा बाहर में। सब फाइनली पापा तो पहुंच चुका है और अभी खाना खा रहा है, देख ही सकते गाइस। ये रहा हाँ चावल तो रखा और उसका थोड़ा रेस्ट करा और उसका खाना खा रहा है। अभी बहुत गर्म है ना इसलिए बाहर पर ही खा रहे पापा, अंदर में तो पूरा गर्म है, अभी भी आए इसलिए बाहर पर छांव पर बैठ के खा रहे। बहुत भूख लगा गाइस, क्या करें, हम लोग तो सुबह खा लिए। अभी वीडियो पब्लिक नहीं हुआ और कितना घंटा होगा आप लोग ब्लॉग देखने से मालूम हो जाए कितना बजे मैंने छोड़ा है। अभी धान भी चावल भी राइस मिल जाके आया उधर उधर से, तभी भी नहीं हुआ। अभी अभी खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर सब्जी ढूंढना है जो जंगल का ऑर्गेनिक सब्जी। हाँ अभी तो 3 बजे है, कल मंडे बाजार ले जाना। हाँ अभी तार तारी होगा, काम ही उपाय नहीं है, तार तारी नहीं करने से नहीं होगा। खाना खा के फिर से सब्जी ढूंढने जाना पड़ेगा, जंगल का हरा परा ढूंढने जाना पड़ेगा। मोबाइल चार्ज लगा दो। हाँ अभी के लिए इतने गाइस, अभी पूरा मोबाइल को चार्ज कर रहा हूँ, देख ही सकते हैं ये रहा चार्जर, और अभी लगाऊंगा गाइस मैं चार्ज पर लगाऊंगा। हाँ अभी ले रहा है गाइस। तो गाइस खाना खा के भी हो चुका है, अभी जाना है, ज़्यादा आराम भी नहीं किया, अभी जस्ट खाना खाया, अभी मोबाइल निकला है तो डायरेक्ट ब्लॉग बना रहा हूँ। चलो जाते हैं रोहित, और जाना पड़ेगा गाइस वहाँ पर, क्या क्या सब्जी होगा आप लोग बने रहे देखने मिलेगा, तो जाते हैं लेने पड़ेगा, ये गामसा बनना पड़ेगा, बहुत गर्म है ना, तारा तारी हो गई गाइस, क्या करो। चलो चलो दाव लिया एक, और आगे रोहित का मम्मी, चलो तरवा लिया क्या, और क्या बताऊँ गाइस, देखी ना सूर्य देव भी चला गया सोने के लिए, अभी तो शाम ढल ही गया, क्या करें, 3:30 हो रहा है अभी, तारा तारी हो जाएगा हम लोग पूरा एकदम फटाफट, इमरजेंसी हो गया ना तो फटाफट से ढूंढना पड़ेगा, तो जाते हैं। अब गाइस आ चुका हूँ यहाँ पर बम्बू घारी में, ये देखिए बम्बू पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो वहाँ से काटना पड़ेगा, कहाँ में था बोला था रोहित, वहाँ देना वो रुको रही रुको 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 इसको ओ काटा है तो साइड कर दो, कर दिया ना, या ये देखिए। और रोहित कैमरा मैन करो तो मुझे बहुत दिक्कत हो गए, और पापा यहाँ पर पूरा एक ठू तो हो चुका है, और मम्मी आइए यहाँ से काटना पड़ेगा ओ इसको ओ अच्छा, नहीं तो ये शर्ट नहीं लगाने से ना उसका जो चुली होता है ना पूरा लाख से एक बार यहाँ पर आया था हम लोग ना, कभी दिन यहाँ पर पार्टी करना हो अच्छा है, सही बोला है रोहित, पूरा पार्टी गाड़ी कितनी खाने मने मछली। उधर से तो हम लोग ने डोठू काट के लाया और यहाँ पर अभी दिख रहे है, ओ एक ठो है ना छोटा मोटा, लो ये देखिए लो लीजिए मम्मी लीजिए, और एक ठो लीजिए लीजिए, कष्ट से निकालना पड़ेगा बस, उधर से इधर आया है फिर से, और एक ठो है ना, ओ रहा अंदर पर लंबा करके, और वहां पर एक ठुए रास्ता पर पूरा बम्बू सूट है, ये रहा गाइस, वाव वाव इतना ज्यादा, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट गाइस, पूरा बम्बू सूट ही बम्बू सूट प्रकट, ये हाँ मम्मी आइए, ये रहा इतना ज्यादा है ना, ये रहा
बम्बू सुट्टू पूछो मत, इतना सामने सामने परे इतना दिक्कत ही नहीं करना पड़ा। ये जगह पर तो दूसरा जगह पर तो इतना दिक्कत करना पड़ गया। और एक तू ये रहा, हाँ एक ना ये रहा, हाँ ये रहा, और एक तीन टू है गाइस, ये रहा बम्बू सुट। और पापा पूरा निकालेगा फिर से, मम्मी इधर आके ये रहा, ये उठाइए आप। हाँ सभी पूरा ये रहा। अभी ये टोकरी को लेके घर पर पहुंचा के हम लोग तो उधर जाएंगे बम्बू सुट को काटने के लिए, ब्लू का बम्बू को बम्बू सुट काटने के लिए। और पापा आएगा टोकरी लेके ना, हम पहुंचा के आएगा ये बम्बू सुट। हाँ उठाओ लेके जाओ। हाँ अभी पूरा मम्मी उठा देगा, उठा दीजिए। हाँ अभी पापा फटाफट से जा, अभी पूरा बम्बू सूट को ले जाएगा, बहुत वजन होता है, उसीलिए हम लोग टोकरी लोग कुछ कुछ ले जाएगा हम लोग झोला लोग। और पापा ये पहुंचा के आएगा, और एलिफेन अपेल, और हम लोग तो वो बम्बू सूट को काटते रहेगा ना पापा। हाँ बातें कर ला का वहाँ पर जंगल पर आ चुके हैं हम लोग, जंगल पर पूरा ढूंढ रहे थे, मुझे एक मिल गया। और अब ये रहा गाइस टेंटेरेन गाइस, अभी बाजार को ले जाना है। ये रहा मम्मी लीजिए, हाँ मम्मी को एक मिल गया मेरे जैसे, लीजिए बड़ा वाला होगा सही ना। हाँ उधर पर एक मिले, और इधर बातें कर ला चन खोजे को मैले चन एउटा रात चन भेटी हाले गाइस। इश इश पाकेको चन यही भेटे आमाले भेट, तपाईँले त भेटेन रहेछ मैले त भेटेँ इ रातो धेर, त्यसलाई घरमा खानुपर्छ नि, राम्रोले घरमा खानुपर्छ, त्यही कारण नि म चाहिँ नि चाहिँ हेर्दै हेर्दै गर्नुपर्छ। साँपले भरे टोको पनि खतम गाई, यता चाहिँ सानो रहेछ लता लती रहेछ हिराउँछ हेर्छु त मान्छेले। अब चाहिँ खोज्दै गर्नुपर्छ है गाई, अहिलेको चरण लागि यति नै है गाइस। गाइस ये बीगुटी चन, अभी गाइस बीगुटी मिल चुका है हम लोग को, उसी को उठा रहे हम लोग पूरा, ज्यादा है ना मम्मी। हाँ खतरा है तू, हाँ छोटा गाची हुआ बड़ा जन पूरा बड़ा बड़ा है, दिखाइए तू एक बार ठीक क्या झुप्पा झुप्पा। ये रहा गाइस, ये रहा गाइस। हाँ अभी ढूंढना पड़ेगा, पापा फाइनली पहुंच चुका है यहाँ पर, अभी हाँ खोज लिए। और मम्मी आइए, अभी जाना पड़ेगा बम्बू जैन का उधर पर, छोटा छोटा अपना से निकलता है जंगल में लोकल ऑर्गेनिक, इसको लगता है इसका। हाँ मिला है तो चार पांच, तो बहुत मिला है तो हम लोग को, और से दिखाई नहीं देता ये। घने जंगल पूरा है वहाँ पर, नहीं ना बहुत घने जंगल है। हाँ बम्बू जंग पहुँच चुका है, बम्बू सूट देखेंगे तो पापा दौड़ के जाएंगे ना, जाएगा पापा। हे हे तू वाव सो ब्यूटीफुल वाव गाइस, बहुत अच्छा वाह। पापा काटिए, पूरा पापा काटने के लिए तैयार कर रहे, सफाई कर रहा है सफाई। ये रहा इतना बड़ा बड़ा गाइस, पूरा काटना पड़ेगा। मम्मी रेडी हो जाओ टिपने के लिए, ये रहा गाइस वाह निकल गया। ये रहा पूरा खाने चीज निकल गया, ऐसा भी पूरा पापा गिरा रहे, ओ फंस गया तू, उठाइए पापा पूरा गिरा रहे। हाँ एकदम सीधा लगा के दीजिए, हाँ डोटू गिर गया डबल।
पे पूरा उठा दे रहे हैं पापा को। ये रहा गाइस, अभी पूरा एलिफेंट एप्पल को ले जा रहे हैं और ये रहा बम्बू सूट को ढाल रहे। मम्मी बम्बू सूट को बुकेगा, पापा एलिफेंट एप्पल को। अभी पूरा पापा जा रहा है डूठू सामान को ले जा, एलिफेंट एप्पल और बम्बू सूट को। ये रहा गाइस, रास्ता बड़ा रास्ता निकल चुका है, हम लोग अभी जा रहे हैं घर का ओर। पूरा हाल मारा रास्ता पर आ चुका है, ये रहा अभी घर का। हाँ पूरा जाना पड़ेगा घर गाइस, पापा आ रहे है। वो रहा, और मैं तो घर का सामने आ चुका हूँ और मम्मी पीछे पीछे, देख ही सकते गाइस। आ रहे पापा, सीधा घर को ले जाना पड़ेगा घर पर। और मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लग रहा है और पापा को प्यास लग रहा है ना, अभी जाना पड़ेगा। हाँ अभी लेट्स गो, जाना पड़ेगा फटाफट से। फाइनली अभी पहुंच चुका हूँ मैं, और ये रहा बम्बू सूट और पापा आ रहे। ये रहा गाइस, ये रहा पूरा एकदम थक चुका हूँ। हाँ रखिए सब्जी इकट्ठा करना है गाइस। हाँ। और क्या करे वो ये। हाँ। तो बाजार नहीं जाने से भी नहीं होगा, और एक दो पैसा मिलेगा तो कुछ घर के लिए, तो तेल नमक ये अगर वगैरह मसला उसला सब लेना पड़ेगा। हाँ, रखिए पैसा से रोज खरीद करने से तो पैसे कहाँ से मिलेगा इस। हाँ। तो इसी कारण से इतना मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग का प्यार दुआ सपोर्ट ऐसा बना रखेगा। हाँ। तो रख लेती गाइस इसको फटाफट से। मम्मी जल्दी आइए, कम ऑन लेट्स गो। तेरा मम्मी तो लैंड हुए, हम लोग तो आ गए फास्ट। ओ भाई साहब, पापा तो इतना लोट लेके आया। ये रहा बम्बू सूट, ये रहा गाइस बड़ा बड़ा, और पापा पूरा नमा दिया एलिफेंट एप्पल को। अभी पानी प्यास लग रहा है, पानी फटाफट से खाना पड़ेगा ना। हाँ। और हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा वो बिग उटी टिपने के लिए ना। हाँ ले जाए भीतर अंदर, और पूरा राख दिए ये रहा एलिफेंट एप्पल को और बम्बू सूट को, यहाँ पर बाहर पर रख दे। और एक केजी है क्या, वो दो केजी होगा, भारी है ना। और पापा जो वहाँ पर पूरा रख दिया, ये रहा जमा करिए अच्छा से, और इसको ले जाइए प्रोग्राम में। कर लेगा गाइस पूरा पसीना पसीना, ये देखिए सामने आके, ये देखिए पूरा पसीना पसीना। हाँ पसीना पसीना पूरा उठा रहे। हाँ ढिकिया सकना। और यहाँ पर मोटू आलू का साथ पर बुड़ियाट, और मैं उठाऊंगा। चलो गाइस अब आगे जाना, ले जा मम्मी डोठू डोठू बुकेगा। ये हल्का है, इस पर ज़्यादा नहीं भरा है, उस पर ज़्यादा भरा है, उसीलिए भाई भारी भरकम भारी भरकम। कहाँ गया रे? तो गाइस क्या वही इधर उधर कर किया और सब्जी सब्जी सब जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो घर बनाऊंगा सोचा था तो हुआ ही नहीं। और उस तरफ मोबाइल का वीडियो अपलोड करेगा बोल के जा गया, और चावल भी धान राइस मिल भी गया, वो भी चावल लेके आया, तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ है। तभी भी वीडियो का चक्कर में बैठने से नहीं होगा ना, इधर फिर सब्जी भी ढूंढना पड़ेगा ना गाइस, इसलिए सब्जी पूरा जमा कर लिया। देखिए पूरा पूरा जमा कर लिया। ये क्या बोलता था इंग्लिश से, हिडल फंड ना क्या बोलता था इसको, फेदल हेड। हाँ सही बोला, फेदल हेड, हिडल फेड नहीं, फेदल हेड। इसका नाम एक ही स्पेलिंग से होता है ना, तीन थू जाता है ना। रोहित को मालूम है ना, रोहित क्या बोल रहा था, फेदल हेड, फेदल हेड। और फेदल हेड को भी उठा दिया, फेदल हेड उठा दिया ना। हाँ फिडल हेड, फिडल हेड, हम लोग ढिकिया बोलता है और निग्रो भी बोलता है, नेपाली से तो निग्रो निग्रो है, निग्रो 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 है नहीं निग्रो गाइस, ये निग्रो है ना। सो गाइस क्या करे वो, ये अपना दुख सुख तो जितना मेहनत करता है क्या करता है वो तो सबको आपको दिखाना ही पड़ेगा ना, तो इसी कारण से मैंने रात का डिनर का दिया भी नहीं पाया, तो सब्जी इधर उधर लेके इकट्ठा कर लिया और बांध बुन करके तैयार किया, और भी तैयार करना है कल सुबह को। और कल को रितु बहन भी, बहन ही मेरा तो ना, रितु दीदी बोलता है कोई, रितु ब्लॉग्स भी आएगा वो, तो आप लोग जानते हैं वह मेरा सच में सब्जी बिक्री करता है, और हम लोग
हम भाई भैया है रिश्ता में, तो मैंने भाई भी है ना, तो बहन आएगा और भैया भी जाएगा साथ में, हम लोग सब्जी फिर बिक्री करेंगे इकट्ठा करके आने, जो ये वाला जो मंडी बाज़ार में हम लोग बिक्री किया था ना साथ में, ऐसे मैंने साथ में बैठ के हम लोग बिक्री करेगा। तो इसी के साथ में ब्लॉग एंड करना पड़ेगा, इस बीच ज़्यादा लंबा भी होगा। तो आई होप कि आप सभी की वीडियो का अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। लव यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।